हेलो एवरीवन, देखिए अब पेज नंबर 203 पर जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 12 के, वो देखो जरा क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे कह रहा है, जैसे हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, एक प्रोटोन आ गया। प्रोटोन मान लो, प्रोटोन की डायरेक्शन ये मान ली हमने, मान लो प्रोटोन आ गया ये, ठीक है जी, प्रोटोन आ गया, ठीक है, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, तो वही डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की भी होती है, करंट की ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें से क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं इसके करेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटोन आएगा या इलेक्ट्रॉन भी आएगा, उस पर फोर्स लगती है ना, हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन आ जाती है, अगर प्रोटोन है तो वही डायरेक्शन आ जाती है करंट की, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया था, इलेक्ट्रॉन आ गया तो करंट के ऊपर होगी डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है यहाँ पर भी, और यहाँ पर प्रोटोन पे भी लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये तो हमें पता है फोर्स लगेगी। अब फोर्स लग रही है अगर, तो डायरेक्शन चेंज होगी। अब अगर किसी चीज़ की ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड वेक्टर नहीं है, स्पीड की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि स्पीड, या जो हम कहें मान लो वो कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है मान लो, ठीक है, मान लो ये नहीं चेंज हुआ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म बोलते हैं, सर्कुलर भी है मोशन, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज करती है कंटिन्यूसली। क्यों करती है वो? अब यूनिफॉर्म भी बोल रहे हैं, मान लो उसकी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है, तो वो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ये चीज़ है, चेंज है यहाँ, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको हम, यूनिफॉर्मली भी है और एक्सिलरेटेड भी है। एक्सिलरेटेड में तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वेलोसिटी यहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन में चेंज हो रही है, इसलिए इसको एक्सिलरेटेड बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है कि स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना फोर्स की वजह से, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, क्लियर है। तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बताओ, मास इनटू में वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है जी, चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस बात है इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। तो वेलोसिटी और मोमेंटम दो ऑप्शन हो गए इसके, तो सी और डी इसका सही है आंसर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि प्रोटोन कैन चेंज इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्यों चेंज करती है वेलोसिटी, वो भी लिखी हुई है क्या, कि प्रोटोन डिफ्लेक्टेड होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब ये डिफ्लेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स लगी मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन चेंज। तो चेंज डायरेक्शन हो रही थी, वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी हम बोलेंगे कि चेंज है। अब तो कई बच्चे बोलते हैं कि फोर्स लगती क्यों है। देखो एक चीज़ को समझो, ये मैंने बहुत बार बताया आपको, देखो आप ना दो मैग्नेट्स को ले आओ, ठीक है, ये दो मैग्नेट्स को, ये भी इस पर फोर्स लगाएगी और ये भी इस पर फोर्स लगाएगी, लगाती है या नहीं लगाती है बताओ, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मान लो कोई मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये प्रोटोन आ गया, प्रोटोन आ गया, समझ रहे हो। अब प्रोटोन है, मूविंग है, अब ये प्रोटोन मूविंग है तो यानी कि इसमें करंट है, करंट की यही डायरेक्शन होगी जो प्रोटोन की डायरेक्शन है। अब एक आपको पता है, ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था क्या, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी चारों तरफ बनाता है, ये पता है ना आपको। तो यानी कि इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, मैग्नेट का ही काम कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अफेक्ट नहीं होगा, उसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें ये एक जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर जाती है ना, डिफ्लेक्ट कर जाती है ये कंपास वाली, क्यों करती है डिफ्लेक्ट, ये भी तो एक मैग्नेट ही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ने इसको अफेक्ट किया तो इस पर डिफ्लेक्शन आई, ऑब्वियस ही बात है, समझ रहे हो ना इतनी बात। और इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आई ना, यानी कि ये चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें भी कुछ चेंज आया होगा, वो अलग बात है, ये बंधी हुई थी ऐसे एक्सपेरिमेंट में तो इसमें नहीं पता चला, लेकिन जितनी फोर्स ये इसको लगा रहा है उतनी फोर्स ये इसको लगा रहा है, लेकिन महसूस कौन सी में होगा, जो हल्की होगी, ठीक है ना। तो जौन सी ये हल्की है इस वजह से, या ये बंधी हुई है इस तरीके से कह लो, इसमें महसूस हुई डिफ्लेक्शन, बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये फोर्स इसलिए आती है, कई बच्चे पूछते हैं फोर्स क्यों आई है, चलो बहुत डिटेल में हो गई कहानी, लेकिन सिंपल सी कहानी थी ये, सिंपल, ठीक है जी। फोर्स क्यों आती है, ऑब्वियस ही बात है,
ये भी एक मैग्नेट की तरह ही बात हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया दूसरी मैग्नेट के, तो अब इस पे क्या लगेगी, फोर्स ही लगेगी ना, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे क्या लगाती है, फोर्स ही लगाती है, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड उन्हें फोर्स की डायरेक्शन बता दी थी किस तरीके से आती है। चलो जी, ये चीज़ हो गई। अब देखो जरा पेज नंबर 204 पे इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे रोड ए बी की अफेक्टेड होगी, कि अगर करंट रोड ए बी में अगर इंक्रीज कर दें तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट लगा दें तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, या लेंथ ऑफ द रोड अगर हम बढ़ा दें तब क्या होगा। देखो एक चीज़ को समझो पहले, तो फोर्स अगर किसी चीज़ पे लग रही है, ठीक है, वो फोर्स ही डिसाइड करेगी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो पहले तो मैं एक्टिविटी बता दूं आपको, ये 12.7 के लिए एक्टिविटी बता रहा है ये, लेकिन मेरे पास पुरानी बुक है यहाँ पर, इसमें 13.7 एक्टिविटी है, लेकिन न्यू बुक में देखोगे 12.7 ही है। देखो इसमें क्या किया हुआ है, एक जो ये ए बी रोड है एक, ठीक है, इसको क्या किया है, करंट प्रोवाइड किया, ठीक है, करंट प्रोवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें अगर करंट आ गया यहाँ पर, समझो इस बात को, ठीक है, तो इस जो हम बात कर रहे हैं इसमें, अगर इसमें ये करंट आ गया, ठीक है, और इसको रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे जैसे कि हम प्रोटॉन को रख रहे थे, है ना, प्रोटॉन को रख रहे थे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और करंट हमने लिया कि उसकी इसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वही सेम है कंसेप्ट यहाँ पर भी, कि यहाँ पर हम प्रोटॉन पे देख रहे थे कि फोर्स लग रही है, यहाँ पर इस रोड पे देखेंगे, अब ये रोड है ना, इस रोड पे क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आया ये डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा होगा इसमें इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम फोर्स पता करेंगे कि इसमें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी इस रोड पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फोर्स लगेगी, अगर ज़्यादा लगेगी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, कम लगेगी तो कम डिस्प्लेस होगा ये अपनी पोजीशन पे, ठीक है, यही चीज़ है, समझ में आई बात। तो अब देखो जरा, जब मैंने आपको बताया था फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उस पर एफ कितनी होती है, बी आई एल होती है, वैसे तो ये बी आई एल साइन थीटा होता है, ये मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब ये 90 डिग्री पे हो, ठीक है ना, तो 90 डिग्री पे जब होगा ये मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्लियर है इतनी बार, थीटा किसके बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 है तब मैक्सिमम फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री था हमारा, साइन 91 होता तो बी आई एल बनता था फॉर्मूला, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कब करेगी, अगर फोर्स इंक्रीज करेगी, तो फोर्स के ही हम अगर देख लें इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले कह रहा है क्या, करंट जो रोड ए बी है, ये जो ए बी रोड है ये वाली, ये देखो ये रोड जो ए बी है, इसमें अगर हम करंट को इंक्रीज कर दें, देखो करंट अगर इंक्रीज होगा ना तो इस पर फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फोर्स इंक्रीज हो रही है तो यानी कि डिस्प्लेस ज़्यादा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी, यही लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट फोर्स इंक्रीजेज एंड हैंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। फिर क्या कहता है ये हमें, कि एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये और स्ट्रॉन्गर लगा दें हम तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेते हैं हम, एक्सटर्नल वाला, अब इसमें करंट जा रहा है इसका तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है ही, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने कहा प्रोटोन आ रहा है यानी कि करंट आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रोटोन पे हम फोर्स देखते हैं, ठीक है, नहीं तो इसका भी तो अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, जब करंट आ रहा है इसमें तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी समझना है कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा दें हम तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज अगर कर गया एक्सटर्नल वाला तो जो फोर्स है इस पे रोड ए बी पे ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही जैसे करंट बढ़ा था फोर्स बढ़ गई थी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी बढ़ गई, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर फोर्स, तो लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रोड ए बी अगर ये इंक्रीज कर दें हम, तो ये इंक्रीज कर दी तो होगा क्या बताओ, अगेन फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीज करेगी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी इसकी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है, अगर हम इसकी रोड की लेंथ भी बढ़ा देंगे तो, ठीक है, क्लियर हुई है बात इतनी है नहीं बताओ, समझ में आई है कहानी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो इंक्रीज, तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चे डर जाते, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, फोर्स कम लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर पहले उसने बताया करंट बढ़ रहा है, हाँ जी फोर्स भी बढ़ेगी, फिर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, हाँ जी फोर्स भी बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ रही है, हाँ जी फोर्स भी बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, आ रही है बातें समझ में, ठीक है, क्लियर हो गई होगी कहानी, ठीक है। उसके बाद देखो जरा पेज नंबर यहाँ 204 पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो मैंने इधर कर दिया, कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल से भी आ सकता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब देखो सबसे पहले तो आपको ना ये पता होना चाहिए डायरेक्शंस किस तरीके से हम लेते हैं, यहाँ फिजिक्स में आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, हमेशा ऐसे ही लेना है आपको, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये डायरेक्शन में, ये वेस्ट की तरफ ये क्या किया हमने, अल्फा पार्टिकल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस साइड मूव किया। अब देखो पॉजिटिव इधर है तो मतलब करंट भी इधर ही है,
पता है ना पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता तो उसके अपोजिट में फ्लो करवाते करंट को, लेकिन यही है। अब करंट मैंने क्यों बना दिया आपको समझ में आ गया होगा पहले कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट की बात हो रही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है तो करंट चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड एंड क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि फोर्स उस पर इस साइड लगी, फोर्स उस पर इस साइड लगी, नॉर्थ की साइड लगी, ठीक है। कह रहा है बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगी होगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आपको बतानी है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा। देखो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स यानी कि मोशन, मैग्नेटिक फील्ड मदर और चाइल्ड करंट सी से, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन देखो ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स ये ऊपर की तरफ है। तो देखो जरा अभी ये देखो इस तरीके से बना दूंगा मैं, ध्यान से देखना आप, ये करंट इधर है और फोर्स है उधर। अब मैं देखो आपको कैसे दिखाऊं ये चीज़, इस तरीके से दिखा सकता हूँ, देखो देखो ऐसे, देखो ये दिख रहा है, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, यही है देख लो करंट की डायरेक्शन, फोर्स इधर, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि कैसा होगा, ये अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका आंसर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज टुवर्ड वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, वेस्ट की तरफ ही होगी और फोर्स होगी टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि डिफ्लेक्टेड वो नॉर्थ की तरफ हुआ। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब हमने लगाया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिली हमें, अपवर्ड मिली। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है चीज़ें, ये है कहानी, बताओ क्लियर है या नहीं है बात, ठीक है जी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से इनको देखोगे तो बहुत आपको इजी लगने वाले हैं ये, ठीक है। और अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे ना इसकी, जो कि मैंने पढ़ाई है आपको पहले, तो बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूजन क्या हुई होगी, जब अभी मैंने आपको बताया ना कि फोर्स क्यों लगती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है समझने का कि फोर्स लगती हुई है, थोड़ी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग गया, ठीक है जी फोर्स लगेगी। अब फोर्स क्यों लगी है उसका कंसेप्ट भी तो समझना चाहिए ना आपको। जैसे कि मैंने कहा दो मैग्नेट्स को रख दो तो ये फोर्स लगाएंगी ना, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये भी तो दो मैग्नेट की कहानी होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर से आ गया एक मैग्नेट की वजह से, मान लो ऐसे समझ लो, और ये प्रोटॉन आ गया तो यानी कि करंट भी आ गया इसमें। अब करंट आ गया तो ये भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी एक मैग्नेट ही होगी, तो इसमें फोर्स लगेगी नहीं, लगेगी। समझ रहे हो इतनी बात, ये कहानी है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं कि इस पे, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे तो फोर्स लगाई, क्या इसने भी इस पे लगाई होगी? लगाई है, बिल्कुल लगाई है, एक दूसरे पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, इस तरीके से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया होगा, इधर से हमने ये एक मैग्नेट का नॉर्थ दे दिया और इधर से हमने साउथ दे दिया, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब इन पे जो फोर्स लगी वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि दो इस तरीके से लगा दी हमने मैग्नेट्स, ऑब्वियस बात है इसका भी साउथ इधर होगा, इस वाले का नॉर्थ उधर होगा, ठीक है। लेकिन हम इस वाले पार्ट पे देखना चाहते हैं कि ये कैसा फोर्स, इस पे फोर्स कैसे लग रही है, ये इन पे भी लगा ही रहा होगा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इस पे हम देखना चाह रहे हैं कैसी फोर्स लगेगी, तो वो हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, हम पता कर सकते हैं इस पे फोर्स कैसी लगेगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक हमारे पास, एक इसकी करंट वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है, और फोर्स हम पता कर सकते हैं इससे, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो अगर इस पर्टिकुलर केस की मैं बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, करंट इस डायरेक्शन में हो गया, और ये फोर्स कैसी लग रही है आपके पास? अपवर्ड लग रही है। क्लियर है इतनी बात, बताओ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट, तो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं अगर तो आपको बहुत ईजी लगने वाली है ये, ठीक है, हलवा लगेगा फिर तो बिल्कुल ही, ठीक है जी। तो करो इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओके जी, थैंक यू।